तो आज हमने फिगर आउट किया कि यूके भी लिमिटेड हो चुका है स्टॉक्स भेजने में, जर्मनी में भी ऐसा ही हुआ है। और मैं चाहता था कुछ दो तीन अपनी तरफ से टिप्स और एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ हम बात करें। और यूके में हम एक नई लॉन्च करना चाह रहे थे जा रहे थे जो कि ऑलमोस्ट 55,000 US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी। और हमने इसकी एडवांस पेमेंट्स भी कर दी हैं जो प्रोडक्ट की यानी कि चाइनीज सप्लायर को प्रोडक्शन के लिए, और ऑलमोस्ट वो हाफ पेमेंट थी। आई थिंक सो, आई बिलीव हमने हाफ पेमेंट उसकी कर दी है। और अब ये मसला है, अभी तक मेरे ख्याल से जहां तक मैं जानता हूँ वजाहत ने अभी तक वो शिपमेंट्स उसकी क्रिएट नहीं की थी क्योंकि हम कुछ और वजूहत की वजह से रुके हुए थे। तो अब ये मसला पड़ गया कि जी आपकी हमारी पीएल इस वक्त अटक गई। अब ना ही सफेद ना ही कोई किस्म का इसके ऊपर ब्लैक हैट कोई टेक्निक चल रही है कि जिसके थ्रू आप उसके अकाउंट उसकी शिपमेंट्स बना सकें। तो अल्टीमेटली 55,000 डॉलर जो है वो एक समझ लें कि स्टेक पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये खुदा ना खासा डूब जाएंगे, और 55,000 पूरे अभी लगे भी नहीं है क्योंकि मैंने जैसे बताया ये तो हमारा टोटल बजट था पूरा गिव अवेज और ये सारी चीजें देने के बाद। तो अभी तो हमने शायद आई थिंक 12-15 हज़ार डॉलर्स कुछ लगाए हैं जो कि इन्वेस्टमेंट इनिशियल स्टॉक के थी, और हमने स्टॉक जो है वो तकरीबन 3 महीने का ऑर्डर किया था एक साथ गिव अवेज देने के बाद भी। तो अब ये मसला है, मैं देखता हूं कि प्राइवेट लेबल जो है वो हैवीली अफेक्ट होता है इन सब वजूहात की वजह से, क्योंकि जैसे 200 यूनिट्स की उससे लिमिट लगा दी है। अब नई लिस्टिंग आप क्रिएट करते हैं तो अमेजोन के पास उस लिस्टिंग का कोई स्टॉक कोई डेटा नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, तो अमेजोन को नहीं पता कि वो लिस्टिंग जो है वो आपकी काम कैसे करेगी या कैसे सेल हो रही है। अब जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो जिसकी आपकी सेल्स अच्छी होती हैं, जैसे अगर आप होलसेल में बेच रहे हैं या प्राइवेट लेबल में बेच रहे हैं, तो उसमें फिर भी कहीं ना कहीं किसी किसी एसिन के ऊपर अमेजोन आपको अलाउ कर रहा है जहां पे वो 200 से ज्यादा शिपमेंट्स यूनिट्स आपको भेजने देता है। लिमिट्स उनके ऊपर भी होती हैं लेकिन वो ज्यादा होती हैं, शायद किसी के ऊपर 600 थी। जैसे हमारी एक पुरानी प्राइवेट लेबल थी उसके ऊपर इस वक्त जो, हालांकि खैर हमने रिसेंटली उसकी शिपमेंट बना के पूरा स्टॉक उसका भिजवा दिया है, वो बाय सी जा रहा है इस वक्त, और वो तकरीबन लास्ट क्वार्टर के लिए भी सफिशियंट होगा, वो इतना स्टॉक है। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले ही क्रिएट कर लिया था इसलिए उसके लिए मसला नहीं है, लेकिन इस वक्त जो मुझे बता रहा है वो भी कोई आई थिंक 900 या 1,000 यूनिट्स बता रहा है वो, अगर अब हम शिपमेंट क्रिएट करते तो ये हमारी लिमिट होती, लेकिन वो भी चूंकि नहीं है क्योंकि माल आ रहा है। खैर, तो प्राइवेट लेबल जो है वो जिनके जो नई लॉन्चेस करने जा रहे हैं उनको ये सीरियस मसला आएगा, वो नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, जो पिछले साल हमने लास्ट आई थिंक लास्ट क्वार्टर में ही एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया था पीएलडीएस का, प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिपिंग का, तो वही इस वक्त यहाँ पे काम आ रहा है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अब बेसिकली उसको लाए अमल में ला रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि वो एफपीए कर रहे हैं, क्योंकि हम भी अब एफपीए कर रहे हैं क्योंकि चाइना से जब ये जो कोविड का मसला शुरू हुआ तभी हमने वो ड्रॉप शिपिंग को हमें बंद करना पड़ा था क्योंकि चाइना शिप नहीं कर रहा था टाइम पे, तो लॉन्ग शिपिंग तो पहले ही थी। उल्टे उल्टा ये और मसला बन गया था जब ये कोविड की सिचुएशन आई थी तो हमने बंद कर दिया था, फिर जो यूनिट्स अच्छे चल रहे थे फिर हमने उनको सिर्फ एफबीए किया थोड़े थोड़े यूनिट्स। तो अभी भी यही हो रहा है, और प्राइवेट लेबल बड़ी आसान हो सकती है आपके लिए और इसमें नुकसान भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा बताया हुआ तरीका ही बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, उसमें भी 100% रिस्क है, और वो यही है कि आप लिमिटेड स्टॉक भेजें जैसा वजाहत ने भी एक्सप्लेन किया था पिछली इनकी पोस्ट में, और मकसद यही है कि फिर वो आप इसको लिमिटेड स्टॉक के साथ शुरू करें, ना कि कोई किस्म की एग्रेसिव लॉन्च पे जाएं। एग्रेसिव लॉन्च में वैसे ही आपको फेक रिव्यूज और ये सारी कहानियां करनी पड़ रही हैं। अब कुछ लोगों के लिए ठीक है, कुछ लोगों के लिए ठीक नहीं है, मैं उस टॉपिक पे अभी नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ बताने का मकसद यह है कि अगर चलें वो सेफ साइड हो जाए आप पीपीसी से लॉन्च करें, पीपीसी के थ्रू रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। हाँ ये हो सकता है कि पीपीसी आपको ज्यादा अरसे के लिए करनी पड़े, लंबे अरसे के लिए करनी पड़े, क्योंकि पीपीसी फॉरन रैंक नहीं करती, पीपीसी में टाइम लगता है, लेकिन होता है, काम चलता है लोगों का। और ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर जा सकते हैं आप जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो और ज्यादा हो, ताकि आप पीपीसी के एक्सपेंस को भी कवर करने के बाद भी आप उन प्रोडक्ट्स के अंदर प्रॉफिटेबल रहें। तो एक तो ये आपके पास ऑप्शन है प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिपिंग का। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एग्रेसिव लॉन्च में जाएं और अपनी रातों की नींद हराम करें, ठीक
ठीक है, एग्रेसिव लॉन्च कर दें, 200 यूनिट्स आपके वैसे ही फौरन खत्म हो जाएंगे, फिर अपना जो स्टॉक है वो 3PL के पास रखें, FBM भी करवाएं, या फिर उसको 3PL की जो सर्विस हो उसके थ्रू थोड़ी थोड़ी शिपमेंट्स FBA में भी भेजते रहें, या आपका हर तीसरे चौथे दिन का काम होगा, क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक वहां पे काम होता जाए आपकी लिमिट आपकी बढ़ती जाए, आप नया स्टॉक भेजते जाए। तो ये बेसिकली आपकी वही स्लीपलेस नाइट जो मैंने पहले भी कहा था PL में होती है, वो आपकी फिर से शुरू हो जाएंगी इसके अंदर। दूसरा ऑप्शन फिर आपके पास यही है कि 3PL के पास ही सारा रखें, पूरी लिस्टिंग FBM के ऊपर ही लॉन्च करें। तो FBM में लॉन्च करना है और स्टॉक FBM में रखना है, तो इससे अच्छा बंदा फिर एक्चुअल PLDS ही कर ले, फिर ड्रॉप शिपिंग, वो भी ड्रॉप शिपिंग है, ये भी ड्रॉप शिपिंग है, आप तो फिजिकली पैकेज उठा के नहीं भेज रहे किसी को, तो अगर कोई और सर्विस आपके लिए या आपका सप्लायर या आपकी कोई 3PL सर्विस भेज रही है तो प्रिटी मच सॉर्ट ऑफ ड्रॉप शिपिंग ही हो जाता है वो। हाँ, फर्क यह है कि वो सप्लायर था, ये 3PL की सर्विस आपकी अपनी होगी और आपने स्टॉक खुद ही खरीद के रखा है, दैट्स द डिफरेंस। तो आप कर सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं। ड्रॉप शिपिंग में फिर आपको सप्लायर्स लोकली भी आप ढूंढ सकते हैं, यूएस के अंदर ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि जो ब्रांडेड ना हो, जो जेनेरिक ब्रांड हो उसके ऊपर आप अपने ब्रांड का लेबल लगवाएं, या ना भी लगवाएं तो अमेजोन पे कम से कम अपनी ब्रांड की लिस्टिंग क्रिएट करें और वो प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दें। वो लॉन्ग लास्टिंग इस तरह हो सकता है कि आप जब उसे जब वो चलने लगे तो फिर वो प्रोडक्ट आप चाइना से एक्चुअली अपनी खुद की मैन्युफैक्चर करवाएं और अपने ब्रांड और लोगो वगैरह के साथ फिर उसको थोड़ी थोड़ी करके वहां पे शिफ्ट करवाएं। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे यूएस के अंदर और यूके के अंदर काफी सारे ऐसे सप्लायर्स भी आपको मिल जाते हैं जो कि जेनरिक प्रोडक्ट्स भेज रहे होते हैं, जैसे कोल इम्पोर्ट की काफी सारी ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी जो जेनरिक हैं, जिनके ऊपर ब्रांड के लेबल्स या नाम नहीं होते हैं, व्हाइट बॉक्स के अंदर जा रही होती है, इस तरह के और भी सप्लायर्स आपको मिल जाएंगे काफी सारे। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास ये है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मेरा फेवरेट है हमेशा से, वो है होलसेल। तो जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि जी हम PL बना के चला के एग्रेसिव लॉन्च करके फॉर्च्यून बिल्ड कर लेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली वो अब और मुश्किल हो गया, ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल वाली बात इसलिए लगती है कि अब इसमें भी वही टाइम आपका लगना है, वही आपकी रातें की नींद हराम करनी है, जो कि ज्यादातर केसेस में हम कहते थे कि जी अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में होती है। ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में ऐसा होता है, वो ठीक है, कस्टमर सर्विस देना और कस्टमर का मेक श्योर करना कि उसे प्रोडक्ट्स टाइम पे मिली है, FBM करेंगे तो भी फिर ये सब चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। तो अल्टीमेटली ये वही सारे काम और वही सारे मामलात हैं जो कि ड्रॉप शिपिंग के थ्रू आप करते थे। तो इससे 10 टाइम्स बेटर ये है कि बंदा होलसेल के ऊपर फोकस करे, होलसेल की वो प्रोडक्ट्स निकाले जो कि वाकई में आप सेल कर सकते हैं, जिनकी ब्रांड अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छी है, ब्रांड आपको अलाउ कर रहा है। होलसेल के अंदर 200 यूनिट्स बहुत है, यानी कि हम नॉर्मली उससे भी कम यूनिट्स बेच रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं जो अमेजोन पे, क्योंकि थर्ड पार्टी ब्रांड्स हैं और भी सेलर्स होते हैं, तो हम ज्यादा रिस्क नहीं लेते, हम छोटी क्वांटिटी में भेजते हैं। तो वो तो हमारे लिए तो फिर ये 200 यूनिट्स की जो लिमिट है ना, वो इतनी ज्यादा हमें इम्पैक्ट करती ही नहीं है, क्योंकि कभी हमने किसी यूनिट किसी प्रोडक्ट के हमने 50 यूनिट भेजे, किसी के 100 भेजे, किसी के 200 भेजे, वो बात अलग होती है कि आप एक बड़ा स्टॉक किसी ब्रांड से खरीदते हैं और फिर आप उसको सेल कर रहे होते हैं, लेकिन वो ब्रांड फिर आपसे बड़ा क्लोजली काम कर रहा होता है, और उस ब्रांड से आप जब क्लोजली इतना सप्लायर से काम करते हैं तो वो फिर आपको 200 यूनिट्स या जो भी आपके लिमिट्स होगी वो उसको मेंटेन करते हुए वो भेज देगा, जितना जितना यूनिट्स आप उससे कहेंगे वो भेजेगा। यानी कि अगर आप कहते हैं कि जी मैं एक महीना इतने यूनिट्स 200 यूनिट्स बेच लूं या 15 दिन में बेच लूं, उसके बाद आप शिप करते हैं, तो वो कर देगा। तो दैट इज हाउ होलसेल बिजनेस वर्क्स, और होलसेल FBA इसीलिए मुझे पसंद है। तो उम्मीद है कि इससे आपको अंदाजा होगा कि क्यों मैं बार बार हमेशा होलसेल FBA की बात करता हूँ, क्यों मैं समझता हूँ कि ये सेफेस्ट बिजनेस मॉडल है। तो ये रीजंस हैं, आए दिन कुछ ना कुछ PL के हवाले से, ड्रॉप शिपिंग के हवाले से मसले बनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली होलसेल में ये मसले नहीं आते हैं, क्योंकि ये आप एक एक बड़ा सेफ बिजनेस मॉडल है, माना जाता है ये अमेजोन पे बिजनेस करने के लिए, और अभी भी 75% 75% के करीब लोग प्रेफर होलसेल को ही करते हैं, जितने भी अमेजोन पे सेलर्स बैठे हैं। तो बिल्कुल कंसिडर करें, PL आप कर चुके हैं लॉन्च, तो बिस्मिल्लाह, गुड लक टू यू, और अगर नहीं किया है तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर होलसेल FBA। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।